दिख रहे हैं, ये क्या है ये? मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल एंड्स। मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट मैं करने जा रहा हूँ प्रैंक जो होने वाला है काफी खतरनाक। इसकी करनी ली है मैंने सारी तैयारी। गाइस मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मैं ऐसा कोई प्रैंक करूँ कि जो काफी एकदम रियलिस्टिक लगे और ऐसी ही अप्रोच हो कि जो सच में मेरी वाइफ को पता भी ना चले कि मतलब ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो प्रैंक काफी खतरनाक है, काफी इसके लिए जिगर की जरूरत होती है और ये सांस मैंने बहुत मुश्किल से जुटाया है। आप इस प्रैंक को या फिर ऐसा कोई मजाक अपने लव्ड वन के साथ बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है। और मुझे पता नहीं कि आज मैं इसको कितना रुलाने वाला हूँ, उसके बाद में कितना परेशान होने वाला हूँ। पर एनीवेज गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें और इंस्टा पे जाकर फॉलो कर लो गाइस, जरूरी है। चलो बाय। तो मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने कर लिया है सारा बवाल की तैयारी और मचने वाला हड़कंप और बोल टूटेगा बम। सो रेडी। A few moments later. तुम्हारा इतना साउंड इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना कभी कभी कभी, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ऑफिस करके आता हूँ। एक छोटा ये बिस्किट यहाँ ला के रखे। नहीं तुम लोग खाते रहो और ढंग का खाओ और बस। पार्ले जी आप खुद ही खाते हैं, जो खाते हैं नहीं नुकसान। नहीं, नहीं एक दिन मैंने खा लिया तो प्रेस करनी है। कैमरे में दिखा दिया तुमने क्या? एक दिन बिस्किट खाता है मैंने। मतलब सारे काम के लिए बीवी को ये नहीं काम करो। एक मिनी उद्योग खुल के मौजूद अभी क्या पी हो क्या है क्या? तो नहीं पी दारू चढ़ी है क्या? उतारो भी सारी दारू। मुझे गुस्सा आती है यार। एक तो मुझे कोई काम पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं तुम मत करिए। नहीं काम पसंद आता तो कोई काम तो वैसे भी नहीं करते। एक काम बेड बनाने के लिए देती वो भी नहीं होता। एहसान के देने लगता है। पानी में ले आलूंगी आराम से खा के बैठ जाएगी। पी भी लूंगा मैं। अच्छा ये तुम्हारा ये मतलब पेट प्रमोशन के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा पेट प्रमोशन? अरे आज मेरे पास एक ऐड आया था। अच्छा हाँ मैंने भी देखा पता है। हाँ। तो ब्लॉग चैनल है ना। हाँ। उसके लिए आया था। तो क्या बोल रहा है वो उसका है क्या कहते हो कुछ लास्ट वाले में कॉस्मेटिक्स का कुछ ऑरेंजेस करके था। हाँ। उसका हेयर ऑयल है और हेयर ग्रोथ के लिए और ब्लैक हेयर के लिए कलौंजी ऑयल ऐसा कुछ करके। और उसका यूज करने से सच में बाल आते हैं क्या? मतलब स्किन अच्छी होती है? स्किन के लिए नहीं है, हेयर्स के लिए है वो। एक बाल काले करने का और बालों की ग्रोथ के लिए। तो किसको? कौन सा ऑयल है? उसके पहले भी एक बार तो मैंने नहीं मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं दूर से ही देखा बस। मैंने देखा। तो क्या मतलब? बालों को घना मोटा करने के लिए लंबा। मेरे बाल वैसे ही घने मोटे लंबे हैं काले। लेडीजों का है जेंट्स का नहीं आया? तो लेडीजों का ब्लॉग चैनल पे आया। तो तुम क्या करोगे यार उसमें? मतलब साफ है। क्या साफ है? मतलब ये है कि मतलब लेडीज के लिए है ना। हाँ तो एक मिनट तुम करोगे यार वो ऐड कहीं जो भी बाल है वो भी झड़ गए तो मतलब कहना क्या चले? बाल मेरे झड़ गए तो ठीक तो है, थोड़े पतले लेकिन और क्या हुआ? पतले उतने नहीं होते। ऐसा ना हो जाए कि थोड़े टाइम बाद पतले होते हो एकदम पतले हो जाए। पतले हो पतली गली से निकल जाए। कोई भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। समझ आई? हाँ आप टेंशन नहीं लीजिए मैं ध्यान रख लूँ। अरे लेकिन नहीं यार तो उसको हाँ भी नहीं बोल सकते ना। अगर हम हाँ भी बोल देंगे तो कोई मतलब है नहीं। सुन रही हो तुम? अभी उसने मुझे बोला वो प्रोडक्ट पूरा खा लीजिए ना आपकी जल्दी बाल बढ़ जाएंगे। मेरे बालों की बड़ी टेंशन। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया उसको पता है। दो तीन दिन से आता तो मैंने आपको बताया भी था पता है। क्यों नहीं किया रिप्लाई? अरे यार रिप्लाई कर दूंगा मुझे लगता है तुमको बनाना पड़ेगा। और कहीं तुमने गलती से उसको लगा दिया तो जो भी तुम्हारे दो चार बाल बचे हैं वो निकल जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तकलीफ हो जाएगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरी एक ही बीवी दो तीन बीवी और भी तो अलग बात। तुम्हारे बाल वैसे ही दो चार है पतली गली से निकल रही है पतले बाल तो फिर मेरा तो कुछ होगा। एक ही बीवी है वो भी
चकली तो क्या नहीं करूं, तो टकली बीवी को मैं क्या करूंगा, क्या जा रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हो गई हूं मैं नहीं तो मैं टकली बीवी को मैं क्या करूंगा बताओ, तो बीवी को मैं करूंगा तुम्हारे इतने बाल झड़ते ना जुन्नू, हर घर में जब से काम वाली अपनी आना बंद हो गई, जहाँ देखता हूँ बाल मिलते, जहाँ देखता हूँ बाल मिलते, पूरे घर में व्हाइट व्हाइट, ये देखो आज बाल धोले थे तंगी की थी इसलिए गिरे हो, तो क्या करूँ मैं, नहीं एक मेरे व्हाइट बाल नहीं आया समझ में, व्हाइट होंगे आपके नहीं होंगे, होते जवानों के नहीं होते व्हाइट बाल, नहीं व्हाइट फर्श, अब ये देखो दिख रहे हैं, तो ये एक मिनट व्हाइट बाल हो या ब्लैक बाल हो लेकिन बाल गिरने नहीं चाहिए, ये देखो दिख रहे हैं, तो क्या करूं गिर रहे हैं तो जुनो, लेकिन तुम्हारे थोड़े बाल नहीं बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तुमको अभी तो इरिटेट क्यों कर रहा, गिर रहे हैं तो मैं क्या करूं, लगाती हूं कुछ प्रोडक्ट लगाऊंगी ठीक हो जाएगा, तो प्रोडक्ट एक ही लगाओ तुम ज्यादा अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट अरे यार तो एक ही प्रोडक्ट लगाओ, उसी में बाल नहीं झड़ते, दो तीन प्रोडक्ट लगाने से बाल और झड़ते, दिमाग खराब, अब मुझे सुनो, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना अपना, तो एक टाइम आएगा तुम गंजी हो जाओ, रही बात है आज के बाद इस क्या नाम है, इस मेल का मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो तुम उस प्रोडक्ट का ऐड करोगी, और थोड़े टाइम बाद मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यूअर ये कहें कि मैडम तो खुद ही टकली है, तो ये टकली है बाल वाला ऐड ही मेरी बात सुनना, नहीं बाल नहीं दिख रहे आपको, बाल नहीं दिख रहे हैं, ये क्या है ये, मैं रुको मैं दिखा रहा हूँ, अरे सुनो मैं दिखाता हूँ तुमको, तुमको सच्चाई कड़वी होती है, तुम सच सुनना चाह रही हो, सच सुनना चाह रही हो, तुम गंजी बीवी, आज से मैं बोलूँ मेरी बीवी गंजी है, मैं दिखाता हूँ रुको, तुमको लग रहा है ये देखो, ये क्या है, किसके बारे में, तो ये कंघी की थी ना मैंने, सोचो तो सही, अगर किसी इंसान को इतने बाल दिखा दिए जाए ना, हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाओ तो पूरे पूरे बॉडी के बाल निकाल के सिर पे लगाते हैं, मालूम है, मुझे नहीं पता था कि बाल निकाल के लगाते हैं, नहीं तुम्हें मूवी देखी थी कौन सी, हाँ वो टकला टकला वाली, तुम सीरियस हो जाओ यार, इतने अगर किसी को बाल झड़ेंगे तो महीने भर में तो तुम गंजी हो जाओगे, तो क्या करूं यार, सोचो क्या करूं उसके लिए, मैं कंघी करने जा रहा था, पता मैं बाल में जैसे कॉम्ब रखा ना, तो मैं मुझे देखा हाथ में लग गए मेरे पूरे बाल यार, मतलब एक मिनट इधर देखो, ये देखो साइड, ये देखो, ये लग रहा मुझे ना, भगवान ये नकली उकली बाल लगा के शादी कर ली क्या मेरे से, तो बहुत तेज हो रहा है, तो यही दूसरी शादी कर ली जिसके असली बाल, बाल देख के शादी करिएगा पहले, मैं बाल है कि नहीं है, मैं तुमको दो चीजें बता रहा हूँ, एक तो कोई ऐड नहीं होगा हमारे इस चैनल पे, समझ आएगी, इस तरह का ऐड बाल रिलेटेड कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि तुम उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं हो, सॉरी मतलब कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकती, मेरे इतने कम बाल आपको दिख रहे हैं यार, स्किन का करो जुन्नू, बाल स्किन का करो और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का करो, लिपस्टिक का करो और भी कुछ करो, आप उल्टी कर लीजिए पहले, खाना खा खा के पानी का आया हो, लेकिन ये दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं, इरिटेट करते हैं, एक तो सुबह से रात में होते हैं, इमेजिन करो तो बड़ी खुश रहती, रात में आते तो कुछ ना कुछ करके मेरा दिमाग खराब कर देती, इमेजिन करो कि तुम ये जो दो चार जुल्फे बची वो भी गायब हो जाएगी तो कैसे दिखेगी, अपना फेस देखो ना तुम्हारे सामने, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, अरे सच्चाई कड़वी होती है, देखो तुमको कड़वी लगे तो मैं पानी लेके आ रहा हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं बता रही हूँ, तो टकली बीवी चाहिए भी नहीं मुझे, निकल जाओ, सुन रही तुम, मुझे टकली बीवी रखने का कोई शौक नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके इतने बाल झड़ते हो ना, इतने बाल झड़ते हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, हालांकि इंसान पागल हो जाए, ठीक मतलब ऐसा घर का कोई कोना नहीं है जहाँ तुम्हारे दो चार मुझे दो चार बाल न मिले, चुकुर चुकुर हाँ तो होती है यार किसी चीज की, मतलब यार तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, तो कभी बाल को लेके, कभी शक्ल को लेके, कभी मोटापे को लेके, कभी मोटी हो जाती, कभी टकली हो जाती हूँ, मतलब जिंदगी में खुश तो है ही नहीं शादी करके फंस गया है यार, अच्छा खासा जी रहा था जिंदगी मेरा, अच्छा खासा पूरा दिन भर का मूड रहता है ना, सारा कुछ खराब हो जाता है एकदम आपसे बात करने से, 20% एक्स्ट्रा बिस्किट रखने से कोई फायदा है, खा के तो गायब कर दोगी तुम, सुबह खाओगे तो फ्रेश होने चली जाओगी, खाओगे फ्रेश होने चली जाओगी, तो बॉडी को क्या लगेगा, गंजी होगी, इकट्ठा करके रख लू, इकट्ठा करके
नहीं जाती फर्क हर एक चीज। तुम क्या नाम था उसको? हाँ, और ये जो जुल्फे हैं तुम्हारी, इस पे कभी ऑयल डाल लिया करो महारानी। ऑयल डालोगी तो बालों में, बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। मुझे डेली नहीं अच्छा लगता ऑयल, आपसे चिप 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 गर्मी लगती है ना। हीरोइन बनने का कोई शौक है क्या? हीरोइन बनना जरूरी? हीरोइन नहीं बन रही हूँ मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, लेकिन मुझे बाल रोज रोज। यार कहाँ कहाँ बाल पड़े, पूरे बेड में पड़े, पूरे घर में इंसान उड़ता उड़ता होगा तो ज्यादा अच्छा है। सच में टकली हो रही तुम्हारी, इतने बाल झड़ रहे हैं। मेरे बाल देखे कभी इतने झड़ते हैं? नोच लो, नोचो नोचो, मैं बताता तुम्हारे। लाओ मैंने तुम्हारे निकालता, तुम मेरे निकालो। मेरे हाथ मत लगाइएगा। लाओ अब मैं ट्राई। नहीं मेरे निकल जाए यार। तो तुम जो ना, लेकिन मेरा एक ही तुमसे दरख्वास्त है मेरी कि प्लीज दो चीजें करो। एक तो बाल में तेल चालू करो, तेल डालना चालू करो कम से कम दो या तीन दिन में। और इसके बाद ए सुन लो, इसके बाद जब तक तुम्हारे बाल पूरे नहीं आ जाते, घने नहीं हो जाते, तब तक कोई भी ऐड नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को लोग ऐसा बोले कि खुद तो टकली हुई जा रही है और ये दिखाती है कि बाल आते हैं घने हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं। खुद पहले अपने घने बाल करो। खुद करने पर तो नया नया चैनल, उसमें अगर ऐड आया तो आपको क्या? अरे तो फ्री वर्ल्ड में क्यों लोगों को यार गुमराह कर रही हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुमको? आपको मैं ऐसे थोड़ी ना होता, मैं यूज करूंगी तब ना करूंगी, ऐसे थोड़ी ना कर दूंगी, एक बार यूज करके देखती हूँ ना। देखो मैंने देख लिया, यूज करूंगी देखूंगी तब। अरे तो तुम यूज करो ना, फिर पब्लिक को फेक रिव्यू मत दो लोगों को। अरे तो मैं फेक नहीं दे रही हूँ ना, पहले लगाऊंगी, अभी तो प्रोडक्ट लगाने की बात। मेरे पास आया था एड, अगर मेरे पास खुद का मेंस का होगा तो मैं अपने काले घने लंबे बाल करा सकता हूँ। घंटा आपके काले घने लंबे बाल है, सफेद सफेद सब बाल है, मेहंदी लगा लगा के लाल और काले किए रहते, बताओ मैं। अरे तो लेकिन जब से शादी हुई सफेद बाल है सब, तो उससे क्या होता है, झड़ते तो नहीं ना, गंजा तो नहीं हो जाऊंगा, बाल तो नहीं बन जाऊंगा इतना ही बार। अरे यार तो गिर रहा है, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, वो प्रोडक्ट अच्छा है, पता मैं यूज करती हूँ। तो अच्छा वो लाठी मार लेती हो क्या? कहते हैं जो उल्टा खड़ा होता है वज्रासन सिंह शीर्षासन में, उसके बाल नहीं झड़ते, तुम्हारे होते हैं झड़ते। चलो खड़ी होकर बताओ मुझे, ऐसे करना था तुमको? ऐसे कर लेती तुम करके बताओ तो मुझे। मुझे नहीं करना वज्रासन शीर्षासन। देखो जनो अब तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मजाक नहीं चल रहा, ये एकदम सीरियस की बात है, तुम अपने बाल के बारे में कुछ प्लीज कंसेंट्रेट करो। अरे मुझे पता है यार, करो। इतना बाल छोड़ दो मेरे, नहीं मैं गुस्सा जाऊंगी। चार बाल है वो भी, ए भगवान छी, ये क्या पड़ा था यार डंडरा पे। तुम अपने बाल का कुछ कर लो ठीक है, वरना मुझे टकली भी नहीं चाहिए, दूसरा घर ढूंढ लेना तुम। गंजी हो तुम, सुनो निकाल के लगा लूंगी अपने सारे बाल। तुम गंजी हो, सुनो कहाँ चली गई, गुस्सा हो गई, थक गया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। एक दो तीन हो जाती है। हाँ भाई कुछ आता रहता है ना। सुनो तो ये बताओ जुन्नू, सच बात नहीं कर, तुम ये बताओ तुम सच में जा रही हो कि तुम गंजी हो जाओ, तुम्हारा पति तुमको छोड़ दे? क्यों यार मेरे पीछे पड़े, मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर में मौत कर दो। तुम पाँव छुओ अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो ना। मुझे पति नहीं, मुझे नहीं मान जाने, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना, मैं नहीं जानती, मुझे अकेले रहना। गंजी बीबी तो मैं दूसरी बीबी ले आऊंगा, गंजी बीबी छोड़ के चला जाऊंगा, गंजी बीबी छोड़ के चला जाऊंगा, दूसरी बीबी ले आऊंगा, समझ आई? गंजी बीबी, गंजी बीबी टकली 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 टकली। निकल निकल मेरे कमरे से, निकल निकल कमरे से,
टकली हो तुम। ए सुनो सुनो, अरे सुनो, तुम गंजी हो जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। आई केयर यू। लाइट बंद करियो, चली रही है। आई लव यू, टेक केयर, मिलते हैं। गंजी भी नहीं चाहिए मुझे, टकली भी नहीं चाहिए। गाइस, तो आपने देखा, ये मेरा प्रैंक था। आई वॉज जस्ट डूइंग प्रैंक ऑन बीबी, मैं प्रैंक कर रहा था। और सच में यार, लेकिन एक चीज बताओ, तुम सुंदर हो यार, तुम अच्छी हो, तुम टकली भी हो जाओगे तो तुम्हारे नए बाल लगवा दूंगा। द वीडियो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब अवर चैनल और फॉलो अस इंस्टा। व्हाई? चलो ये मजाक मत करो, चलो मजाक कर रहे हैं। Most of the cold and orange on the inside.